वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कारिस्तान। और सामने हमारे खड़ी हुई है वर्टोस का जीटी एडिशन। इस जीटी एडिशन के साथ क्या क्या मिलता है आपको, आज पूरा डिटेल में रिव्यू करेंगे कि जीटी एडिशन के साथ क्या मिल रहा है। तो जीटी एडिशन के साथ ये तो पहले तो आप देखिए गाड़ी का लुक, तो विड्थ की बात करते हो तो इसकी जो गाड़ी की विड्थ है ना वो टोटल 1752 mm की विड्थ है। एंड व्हेन वी कम्स टू लेंथ, की लेंथ कितनी है इस गाड़ी की, तो लेंथ में ये आपको 4561 mm की लेंथ आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है। एंड सबसे अच्छी चीज़ कि इस गाड़ी का जो व्हील बेस है ना वो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मिलता है, लगभग आपको 2651 mm का। अगर हम बात करते हैं स्पेशली वर्ना और होंडा सिटी से, तो होंडा सिटी और वर्ना के अंदर आपको 2600 mm का व्हील बेस मिलता है, यहाँ पे आपको 51 mm का व्हील बेस और इंक्रीज हो गया है। तो लुक वाइज अगर बात करोगे और फ्रंट फेशिया की बात करोगे, तो फ्रंट फेशिया में आपको सबसे पहले आती है लाइट की असेंबली। तो लाइट की असेंबली में आपको यहाँ पे सिग्नेचर DRLs मिल जाते हैं LED में, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, LED रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं एंड LED ही फॉग लैम्प मिल रहे हैं। तो पूरी होल जो असेंबली दी हुई है लाइटिंग हाउसिंग की, वो सारी की सारी है आपका LEDs के साथ है। तो व्हाइट इल्यूमिनेशन इस गाड़ी का होने वाला है। सेंटर में आपको मिल जाता है फोक्सवैगन का लोगो, जो कि काफ़ी अग्रेसिव और काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। क्रोम ग्रिल्स मिल जाती है एंड पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल देखने को मिलती है। इवन जो आपको नीचे का बम्पर है वो भी आपको पियानो ब्लैक और क्रोम इंसर्ट के साथ मिलता है। साथ में जाती है आपकी GT की बैजिंग। तो ये गाड़ी आपका GT खड़ा हुआ है सामने एंड ये गाड़ी आपको 1.5 लीटर के TSI इंजन के साथ मिलती है। साथ के साथ इसके साथ आपको ACT टेक्नोलॉजी और मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी के परफॉर्मेंस को और इस गाड़ी के एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को भी अच्छा कर देती है। ACT टेक्नोलॉजी लाइक कि आपको अगर चारों सिलेंडर का यूज़ नहीं है गाड़ी के अंदर, तो दो सिलेंडर इसके ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाते हैं। बात करते हैं साइड में आके, तो आपको GT की बैजिंग अगेन यहाँ पर मिल जाती है। व्हील आपको 16 इंचेस के मिलते हैं। तो अगर आप प्रोफाइल की बात करते हो, टायर प्रोफाइल की, तो 205/55 R16 आपको व्हील मिलता है। डिस्क ब्रेक क्लीपर आपको रेड कलर के मिल जाते हैं GT एडिशन के अंदर। फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, मिरर्स पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, देन आपको ग्लॉसी ब्लैक इंटीरियर मिरर मिल जाता है। थोड़ा सा कार्बन टेक्सचर में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा शाइनी है। इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, फोल्डेबल्स मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स पे आपको स्मार्ट की एंट्री मिल जाती है, मतलब स्मार्ट की एक्सेस मिल जाता है एंड क्रोम इंसर्ट मिल जाता है। फिट फिनिश की बात करोगे ना भाई, तो फोक्सवैगन का, जर्मन का, स्पेशली जर्मन का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत स्लीक और अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं। इवन जो आप देखते हो ना पैनल गैपिंग बहुत आपकी शानदार मिलती है, मतलब गैपिंग ही नहीं है भाई। यहाँ पे आपको कुछ क्रोम के स्ट्रिप्स मिल जाते हैं, वाटर पैनल मिल जाता है। गाड़ी के जो मिरर्स हैं, मतलब जो आपके विंडोज़ हैं, वो काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एरी भी फील होने वाला है। ऊपर आपको शार्कफिन एंटीना मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर, वो भी ग्लॉसी ब्लैक में। एंड पूरी जो आपकी रूफ है वो आपको ब्लैक इंटीरियर ब्लैक के साथ मिल जाती है। यहाँ पे आपका सनरूफ आ जाता है, सनरूफ का साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, काफ़ी बड़ा है। अलॉय आपको चारकोल ब्लैक, मतलब रेजर ब्लैक कलर के मिलते हैं। इवन पीछे आपको डिफॉगर ग्लास मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप्स मिल जाते हैं, शार्कफिन एंटीना दिख ही रहा है। एंड आपको एक स्पॉयलर की हाउसिंग यहाँ पर मिल जाती है, वो भी पियानो ब्लैक के साथ। अगेन आपका जो बैक लाइट है वो भी आपको पूरी DRL मतलब LEDs के साथ मिल जाती है। वर्टिस का आपको वर्टिस लिखा हुआ मिल जाता है यहाँ पे, फोक्सवैगन की बैजिंग, GT की असेंबली एंड जो नीचे पीछे का बम्पर आप देखते हो ना, वहाँ पर भी आपको क्रोम काफ़ी इंसर्ट मिलता है, जो आपको लग्जरी देता है। साथ के साथ आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। सेंसर आपको 3 सेंसर्स मिल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। रियर पार्किंग असेंबली मिल जाती है एंड भाई दिस इज़ अ बूट स्पेस, मतलब आपको 580 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। 580 के साथ साथ इसकी जो पीछे की सीट्स है ना, वो भी आपकी भाई फोल्डेबल है, मतलब 60-40 में भी स्प्लिट कर सकते हो। आपको लंबा कोई सामान कैरी करना है तो आप सीट फोल्ड कर सकते हो इस गाड़ी की। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। वाओ, ये चीज़ अच्छी है इसकी कि आपको अंदर से नहीं खोलना है, बाहर से ही आप इसे कर सकते हो। तो अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है, इसे भी आप बाहर से केवल एक प्रेस करने के बाद खोल सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की लगभग 45 लीटर की है। एंड अब चलते हैं इसके अंदर, तो अंदर जाने के लिए वही हाउसिंग आपने को, आहा भाई डोर्स इतने भारी हैं इस गाड़ी के, मजा ही आ गया भाई। तो डोर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हैवी दिए हुए हैं। लॉक अनलॉक के लिए बटन्स मिल जाते हैं,
सिल्फर फिनिश में आपको डुअल लीवर मिल जाता है, फोल्डेबल मिरर्स का असेंबली यहाँ पे दिया हुआ है, चारों पावर विंडोज, विंडो लॉक, एंड जो आपके सीट्स है ना वो सिक्स वे मैनुअल एडजस्टेबल के साथ ये सीट्स आती है। मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलते, केवल मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं। सामने आपको हेडलाइट असेंबली मिल गई कि आपको हेडलाइट यहीं से ऑन ऑफ होगी, लीवर आपका मतलब हेडलाइट लेवलर मिल गया आपको। पियानो ब्लैक में अंदर आपको पूरा टच मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्टी सॉफ्टी फील, मतलब जो इंटीरियर है थोड़ा सा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, डैशबोर्ड आपका सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, स्टीयरिंग पे आपको लेदर फिनिश मिल जाती है देखने के लिए, एंड डुअल टोन आपका इंटीरियर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। भाई जीटी है तो जीटी के अंदर कुछ तो स्पेशल दिया, तो आप तो बैजिंग तो देखिए। अब देखिए इसके पेडल्स, तो आपको एक्सीलेटर एंड ब्रेक पेडल आपको स्पोर्टी स्टाइल में मिलेंगे सिल्वर फिनिश के साथ, मतलब क्रोम फिनिश के साथ। साइड में आपको फुटरेस्ट आ जाता है, बैठते इसके अंदर भाई। अंदर बैठने के बाद जो साउंड है ना भाई, बूम वाला जो साउंड करते हैं ना इसके दरवाजे, मजा ही आ जाता है। फोक्स वैगन, स्कोडा, मतलब जितने भी आप जर्मन्स की अगर जानते हो ना, जर्मन्स, ओह माय गॉड, लुक एट द मीटर कंसोल भाई। मीटर कंसोल बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा दिया हुआ है, मतलब दिल्ली ले लिया इस मीटर कंसोल ने। रिफिलिंग का रेंज दिखा रहा है आपको, डिजिटल आपका स्पीडो मीटर मिलता है सामने, यहाँ पे पार्किंग असेंबली दिया हुआ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, डुअल मतलब डुअल सिक्वेंशियल गियर बॉक्स आता है इस गाड़ी के साथ, डीएसजी के साथ ये गाड़ी आती है। किलोमीटर्स पर आवर का आपको रेंज दे रहा है, यहाँ पे आपका सारा इंटीग्रेशन दे रहा है पूरा की इन्फॉर्मेशन की, कहाँ पर कितना टेम्परेचर सब कुछ आपको बताएगा। तो ये भाई असेंबली आपको 8 इंच के साथ मिलती है, तो 8 इंच का आपको पैनल सेंटर कंसोल मिल जाता है। IRBM आपको ऑटो डिमिंग इफेक्ट के साथ मिलते हैं, साथ के साथ आपको 10 इंच का आपको स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। तो स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम देखोगे ना तो वो थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ, मतलब ड्राइवर फ्रेंडली है, ड्राइवर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करता हुआ है। यहाँ पे आपका पार्किंग, मतलब पियानो ब्लैक के अंदर जो फिनिश दिया ना यहाँ पे, जो फील करते हो ना फिनिश, वही फिनिश बहुत प्यारा है। एंड ग्रे की जो लाइन यहाँ पे यूज करी हुई है कि ग्रे के ऊपर वो दीवार, तो भाई लग्जरी है ना, नो डाउट, बहुत इन्हेंसमेंट के साथ की है। एंड लग्जरी के साथ साथ जो फिटिंग है ना भाई, जो फिट फिनिश है इस गाड़ी की भाई, दिल्ली ले ले। एसी की हाउसिंग, मतलब एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है, इवन इसके अंदर आपको 2.0 मतलब 2.5 आपको पॉलीमर फिल्टर मिल जाता है। पार्क आपका चार्जिंग आउटपुट आ गया, ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका वायरलेस चार्जर के लिए, डीएसजी के साथ आपको सिक्वेंशियल गियर बॉक्स के साथ आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, मतलब जो इसकी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। आर्मरेस्ट एडजस्टेबल, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने सीट के अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर सकते हो। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाता है, सनरूफ का साइज भी काफी बड़ा है, तो आप इसे खोल के देख लेते हैं कि सनरूफ कितना बड़ा है। तो भाई सनरूफ की असेंबली काफी बड़ी है, मतलब अच्छी खासी है, तो आप अच्छी खासी असेंबली दी हुई है। एंड ये आपका सनरूफ क्लोज, तो सनरूफ की असेंबली काफी बड़ी है, अच्छी खासी है। एंड ये आपका बंद हो गया, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ से भी लाइट आ सकती है, ठीक है। ग्रैब हैंडल्स आपको सब जगह मिल जाते हैं, 6 एयरबैग की असेंबली मिल रही है आपको, 8 स्पीकर्स मिल रहे हैं गाड़ी के अंदर, ग्लव बॉक्स आपको काफी बड़ा मिल जाता है कुछ भी सामान कैरी करने के लिए, इवन इसके अंदर आपका टेम्परेचर कंट्रोल भी है, मतलब आप एसी भी ऑन कर सकते हो, मतलब इसमें कूलिंग ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, तो कूलिंग ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। फिट एंड फिनिश बहुत प्यारी गाड़ी की, मतलब जर्मन्स की अगर बात करें ना भाई, ये बनाते हैं, वाकई में बनाते हैं कुछ। स्टीयरिंग आपको स्मार्ट स्टीयरिंग सिस्टम मिलने वाला है, तो स्टार स्टीयरिंग सिस्टम में आपको क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल्स, इवन ब्राइटनेस भी, और वो भी दिया हुआ है इसके अंदर भाई, ओए होए, मतलब गाड़ी के अंदर पेल के दिया हुआ है। 6 एयरबैग तो मिल ही रहे हैं आपको, दोनों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ESP सिस्टम मिल रहा है, तो भाई गाड़ी के अंदर कुल मिला के बहुत कुछ मिलता है इस गाड़ी के अंदर। एंड सेफ्टी वाइज ऑलरेडी इस गाड़ी का मैं बता चुका हूँ कि ये गाड़ी एडल्ट सेफ्टी के साथ साथ चाइल्ड सेफ्टी में भी 5-स्टार रेटिंग है, जो कि इंडिया में बहुत कम गाड़ियाँ हैं कि चाइल्ड मतलब एडल्ट सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग और चाइल्ड सेफ्टी में भी 5-स्टार रेटिंग बहुत कम गाड़ियों को मिले हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली इंडियन मैन्युफैक्चर कोई भी नहीं है। महिंद्रा की बात करोगे तो चाइल्ड सेफ्टी हो अगेन 4-स्टार, अगर आप टाटा की बात करते हो चाइल्ड सेफ्टी में 3-स्टार, तो फोक्सवैगन एज अ ब्रांड आपको 5-स्टार रेटिंग दे रहा है चाइल्ड सेफ्टी में भी।
फोल्डेबल मिरर्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। इवन बात करें अगर इसके पावर की, तो पावर वाइज इसका इंजन मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। तो पावर देख लेते हैं इसके इंजन की, पावर क्या है गाड़ी के अंदर। तो चलते हैं इसके इंजन पर। तो यहाँ से हमने बटन बंद किया। असेंबली बहुत अच्छी है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की, मतलब कि दबा के दिया हुआ यार। बंद हो गई गाड़ी। अब चलते हैं इसके इंजन का कि इंजन भाई कौन सा है। तो भाई पहले तो इसका हुड उठाने के लिए ही बहुत ताकत चाहिए भाई। तो पहले हुड भाई इतना भारी नहीं है जितना वेंटो का था यार, चलो कोई ना। तो ये आपका इंजन है, ये इंजन आपका 1.5 लीटर का PSI ACT इंजन है जो आपको 150 PS की पावर और 320 NM का टॉर्क जनरेट करता है। भाई खूबसूरती देखो यार इंजन में, खूबसूरती कितनी, मतलब कि इतना पीस से इंजन पैक किया हुआ है, हर चीज आपका ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भाई सजो सजो के लगाया है। तो असेंबली, इंजन असेंबली बहुत खूबसूरत बनाई है भाई, मतलब कि कहीं पे भी लग रहा नहीं है कुछ भी गवारियर टाइप। एंड फोक्सवैगन पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि क्वालिटी वाइज अगर आप जर्मन की बात करोगे तो भाई इन जैसी क्वालिटी, इन जैसा फिटविनेस, इन जैसा पैनल गैप, मतलब पैनल गैप तो कहीं पर मिलेगा ही नहीं आपको, जो चीज़ मिलेगी ना बिल्कुल एक से मिलेगी। ये लाइन देखिए आप, ये लाइन कहीं पर भी पैनल गैपिंग नहीं है भाई। साइड मिरर्स पे, टूर हैंडल्स पर, मतलब कि कहीं पर भी आपको देखो पैनल गैपिंग कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा, फिट फिनिश बहुत प्यारे हैं भाई इसके, कहीं पर भी आपको पैनल गैपिंग नहीं मिलेगी। एंड लुक एट द व्हील्स, एलॉय व्हील्स का साइज एंड एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अग्रेसिव है। तो भाई बात तो हुई पूरी गाड़ी की, अब बात करते हैं इस गाड़ी के साथ आपको वारंटी क्या मिलती है। तो भाई वारंटी इस गाड़ी के साथ आपको मिल रही है 4 साल, 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। 4 साल के लिए रोड साइड असिस्टेंट आपको मिलता है एंड 3 फ्री सर्विस मिलती हैं। गाड़ी की अगर प्राइस की बात करोगे तो ये गाड़ी आपका GT एक्स शोरूम प्राइस 18,80,000 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है विदाउट वेंटिलेटेड सीट्स। अगर आप वेंटिलेटेड सीट्स लेते हो तो 19,05,000 रुपये का ये आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है। तो भाई गाड़ी हो गई अपनी पूरी, एकदम से पूरा हो चुका है इस गाड़ी के अंदर। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाड़ी के लिए साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ मोटरिंग, बाय।